एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आप देख रहे हैं चीकू साक्षी व्लॉग्स और मैं आया हूं आज इंडिया के सबसे लग्जरियस मॉल में जो कि है जियो वर्ल्ड प्लाजा। तो ये मुंबई के अंदर जीपीसी में है जो कि अंबानी फैमिली के थ्रू बनाया गया है और ये जो है वो NMACC के अंदर है। चलते हैं मॉल में फटाफट और उसका टूर करते हैं। अंदर एंटर करते ही ऊपर NMACC का लोगो है और राइट साइड में नीचे डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा है। अगर हिंदी में पहले लिखा होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। सिक्योरिटी चेक से एंटर करते ही अंदर वेडिंग लॉन्ज है जहाँ पे लोग शादी के लिए लॉन्ज बुक करवा सकते हैं। मॉल की स्टार्टिंग फर्स्ट फ्लोर से है और चूंकि बाहर बहुत धूल थी तो मैं सबसे पहले गया फेस वॉश करने और वहां का एम्बियंस देखते ही मैं खुश हो गया। शोरूम के अंदर जाने के लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये एक और एंट्री है और सामने NMACC की एंट्री है तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। बैलगाड़ी? ओ भाई मैं तो ब्रांड्स के नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा है हिंदी में लिखा है। चलो एक ब्रांड तो यहाँ मिली जो नॉर्मल है, आजियो। नहीं नहीं भाई मैं गलत था, ये तो आजियो लग्जरी है। यहाँ मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे सारी ब्रांड्स पर्स और क्लोथिंग की है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओह परफ्यूम एंड सेंट का भरमार। ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी ब्रांड का परफ्यूम पसंद है। मॉल के एम्बियंस की बात करें तो बहुत लाइट पीसफुल म्यूजिक है, बहुत ही लग्जरियस इंटीरियर है, बहुत क्लीन है, किसी पैलेस में आए हैं उससे कम नहीं लग रहा है। We'll be right back.
लग रहा होगा कि इतना महंगा कैसे है, तो यार जब मैं इनके फर्नीचर और फैब्रिक को टच करा तो जो वो क्वालिटी और सॉफ्टनेस थी ना, वो बेस्ट है। मॉल खुले हुए अभी 1 वीक ही हुआ है और बहुत सी जगह बाकी है, अलग अलग ब्रांड्स के शोरूम खुलने बाकी है, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। तो भाई ये मुजी ब्रांड है और ये देखो मुझे पीछे छोड़ के आगे निकल गई शॉपिंग के लिए अकेले। ये 5000 का लगे है, देखो इतने बड़े बास्केट में ये क्या लेके घूम रही है, चप्पल बताओ, देख रहे हो इतने बड़े मॉल से चप्पल लेके ली जा रही है। हम जब वापस ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक एक्वेरियम भी है। लग्जरियस ब्रांड्स है और हम लोग वही देख रहे थे, जैसे आजो, लक्स, डियोर, सबके प्रोडक्ट्स, गुची के प्रोडक्ट्स, तो कोई ले सकता है नहीं ले सकता है वो अलग बात है, बट जो सेलिब्रिटी ब्रांड्स है उनको फील करना, उनको टच करके देखना, वो एक अपने आप में बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। इस मॉल के अंदर आपको कौन सी ब्रांड का शोरूम सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा शोरूम आप देखना पसंद करोगे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस मॉल के टूर को करते हैं यहीं खत्म, और वीडियो अगर पसंद आया है तो दबा के लाइक करें और नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।